सन मैं एक बात पक्की बता दूं, बता मुख्यमंत्री दोनों में एक मंडनो है। अच्छा, तीसरो मुख्यमंत्री कौन बने? कौन सो मतलब बनना है? हैं ओ मैं बाद में तन बताऊं, लेकिन आ बात तन मैं बता दूं, मुख्यमंत्री यहाँ दोनों में एक मणि। अच्छा, एक नायब सिंह सैनी, दूसरो भूपेंद्र हुड्डा, तीसरो कोई मुख्यमंत्री कौन नहीं है। अच्छा, बेदौड़ उबार है। 10 साल की जो सरकार रही बीजेपी की, कितने काम कुम हुए हैं? देख मैं दोनों ही 10-10 साल की कंपेरिजन करूँ। अभी नायब सिंह सैनी की तो मैं कोई मुख्यमंत्री पर मानू कौन की बिंक ने थोड़ा सो टेम है। बीजेपी और कांग्रेस मेरे लिए दोनों ही समान है, मन तो दोनों ही समान लगे। आदमपुर विधानसभा में बात कर लें, उपचुनाव का समय था और ये जो विधानसभा का दोबारा तो समय आ गया, इसमें कुछ बदलाव होया है कि वही चीज़ रही पुरानी? ओ आईगढ़ का इलेक्शन अलग टाइप को है, आदमपुर को बिंदास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शक राम राम। फिलहाल आपने बता दूँ जो बिंदास हरियाणा की सर्वे टीम है आदमपुर विधानसभा के सिसवाड़ा गाँव के अंदर पहुंची है और आदमपुर विधानसभा का सबसे बड़ा लगभग बड़े गामा में गिनती हुआ है सिसवाल की। बाकी भाई सिसवाल के बुजुर्ग बैठे हैं, बातचीत करा दें, सरकार ने क्या कुछ काम करे हैं और आपने बताया दें 2024 का जो विधानसभा चुनाव है वो बिल्कुल 3 महीने के अंदर अंदर होलेगा। इसके अलावा जो बातचीत करावाएं बड़े बुजुर्गों गले, राम राम जी, वो ठीक ठाक हो? ठीक। बात करी जाओ जी, लगभग 10 साल के आसपास सरकार ने हो गई बीजेपी ने, 5 साल अकेली थी, 5 साल गठबंधन में थी, क्या कुछ लगा जी, क्या कुछ काम होने चाहिए थे और कौन से काम नहीं करे? भैया नौकरी नागरी तो करे ही है एक दो, बाकी और काम तो को नहीं है। गांव में विकास की बात कर लें तो गांव में कुछ काम हुए हो ना? कोई खास काम को नहीं है। ये तो पहला का मंजूर हो रहा है। तो एक चीज बताऊं तो जैसे हरियाणा का मुख्यमंत्री है वो बार बार बात करेगी भाई जो जब तक हमारी सरकार आई है यानी बीजेपी, हमने जो पिछली सरकार हमें पीछे चल लिया करते मान लो इस पर चल लिया करती वो बंद कर दी, किसा के लागे बंद हुई है कौन हुई? बंद होगी बात, कितने की होगी? सुपर्स तो बंद, पीसा तो बंद हो गया। पीसा बंद हो गया? हां, बिना पीसा नौकरी लग गए। ठीक है, राम राम भाई साहब, ठीक हो? हां, राजू महाराज जी खुशी? ठीक हां, बस तन मैं एक बात पक्की बता दूं। बता। मुख्यमंत्री दोनों में एक मंडनो है। अच्छा, तीसरो मुख्यमंत्री कौन बने? कौन सो मतलब बनना है? हैं ओ मैं बाद में तन बताऊं, लेकिन आ बात तन मैं बता दूं, मुख्यमंत्री यहाँ दोनों में एक मणि। अच्छा, एक नायब सिंह सैनी, दूसरो भूपेंद्र हुड्डा, तीसरो कोई मुख्यमंत्री कौन नहीं है। अच्छा, बेदौड़ उबार है। 10 साल की जो सरकार रही बीजेपी की, कितने काम कुम हुए हैं? देख मैं दोनों ही 10-10 साल की कंपेरिजन करूँ। अभी नायब सिंह सैनी की तो मैं कोई मुख्यमंत्री पर मानू कौन की बिंक ने थोड़ा सो टेम है। बीजेपी और कांग्रेस मेरे लिए दोनों ही समान है, मन तो दोनों ही समान लगे। आदमपुर विधानसभा में बात कर लें, उपचुनाव का समय था और ये जो विधानसभा का दोबारा तो समय आ गया, इसमें कुछ बदलाव होया है कि वही चीज़ रही पुरानी? ओ आईगढ़ का इलेक्शन अलग टाइप को है, आदमपुर को आदमपुर को इलेक्शन अलग टाइप को है। हाँ, लेकिन अब की बार मैं एक चीज़ बात क्लियर कर देना चाहूँ कि आ सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नेतृत्व के द्वारा लोक का चलाई गई, आ सरकार दूषण चुटालो चलाई गयो, पूरी त्रियम चलाई गयो और फ्री हैंड ओवर को चलाई गयो। चलो भाई ताऊ तो बातचीत करा दें, खेती बाड़ी करें ताऊ? खेती बाड़ी करो ताऊ? कुछ को बैठे हैं। बैठे हो, रिटायरमेंट ले रखी है? रिटायरमेंट ले रखी है सरकार। अच्छा अच्छा, तो क्या लगे 2024 का विधानसभा चुनाव आ गया, चुनाव करण वोट डालने जाओगे तो क्या देखोगे? बाकी इस चीज़ पर वोट देंगे तो अभी राजनीति देखा जी कैसे काम चलता है कैसे नहीं चलता है। और हमारे लिए तो सरकार बहुत बढ़िया है, पैसे खूब देती है, अच्छी सहयोग देती है, गांवों में काम खूब करे है, सीवरेज है, पाइपलाइन है और है, खूब काम करे है। एक दुष्यंत चौटाला जब गठबंधन में थे कहते 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करांगे बुजुर्गों की, कुछ भी कौन करे जी, सब कुछ अफवाह है, कुछ नहीं करते हैं, अफवाह है जी। अच्छा, हाँ वोटिंग टाइम है, वोट लिए बाद उड़ा देंगे, कुछ नहीं देंगे। उम्मीद तो ला रहे थे, उम्मीद तो 5100 मिलेंगे? ना ना, कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, कोई उम्मीद थी को नहीं? ना, उम्मीद कुछ नहीं है जी, वोट लेने की उम्मीद है, भी वोट ले लें जप लें फिर। इब सरकार इसने 10 साल हो गए, इब क्या कुछ लगा है कि जो आगे चुनाव होगा आपके अनुसार तो सरकार यही रहनी चाहिए क्या बदलनी चाहिए? अभी देखो जी, इतना पैसा तो सरकार बहुत देती है, भाई जमींदार का हाथ में गट्टी आ जाए तो अच्छा मानना है, और कमी कोई चीज़ में अभी हालगड़ी चुनाव बाद में कोई कमी थोड़ी कोई मुख्यमंत्री ने। तो बात करें इसके साथ में मेरा ध्यान आ गई, एक मुआवजन लेके एक आदमपुर का जो
एक किसानों का संगठन था जिसने पूरा जोर लगा रखा था कि भी मुआवजा मिलना चाहिए, बीमा क्लेम मिलना चाहिए, तो उसमें कुछ गम मिला है? कौन मिला? हमारे तो यहाँ कुछ मिला नहीं, यहाँ अगर मिले है जी, मेरी साड़ी है वो बोले मैं हमारे को 12,000 रुपया मिले है मुआवजा। आश्रम है, जगान है, वहाँ से मिले है, यहाँ शीश वाल में अभी आया नहीं है। तो सरकार कौन सी अच्छी लग गए हैं? सरकार तो देखो जी दोनों ही लगा है, कांग्रेस में लगे ना, भाजपा में रिटायरमेंट हो गया। एक चीज़ कहकर देता हूँ बार बार कि जो आदमपुर विधानसभा है इसमें बिश्नोई परिवार का गढ़ रहा था, अब की बार कांग्रेस के जयप्रकाश और जेपी कांग्रेस के वो जीत के लिकड़े हैं ना जी? जयप्रकाश तो नहीं, हाँ जेपी जयप्रकाश टिकट लिकड़े है जी। अभी कुलदीप है जी यार संभाले नहीं, करने लोग खिलाफ हो गए, संभाल नहीं करी आदमपुर में से, अब किसी का काम कौन करया, इस वजह वो हार गया। अच्छा, तो अगर विधानसभा चुनाव भी आ गए तो उसमें भी उसमें भी इस तरह उसके की? हाँ उसका जी कोई पता नहीं है, उसका बदल सका सिस्टम? हाँ बदल सका है, लोगों का माहौल भी बदल गया है। पिछली बार मंत्री पद की बात हो रही थी कि मंत्री पद देवांगे भवन ने तो आदमपुर वाले जिता दूँ, अब की बार क्या कुछ लगा? मंत्री पद भी नहीं मिला, जिता भी दिया, क्या कुछ लगा? अब के पता जी कुछ लगेगा, कोई पता नहीं है। फिलहाल भैया आपने पूरी बात से सुन ली, क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दियो, ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दियो। इसके साथ अपनी वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।